सब्सक्राइब करें फरीद ऑल आइडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए वीडियो में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप में ग्रुप सेटिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाए हैं ग्रुप सेटिंग सीखना है आपको, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। फ्रेंड, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं थी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फिर से कोई नए वीडियो डालूँ तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट्सएप में ग्रुप सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, और व्हाट्सएप पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो ग्रुप बनाया है इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे कि मैं ग्रुप एक बनाया हूँ, तो जैसे कि ग्रुप है, तो जैसे कि आपको ग्रुप पर आपको सेटिंग करने के लिए आपको देखिए आपको जो ग्रुप का नाम डाले हैं इस पर क्लिक करना है। जैसे ग्रुप के नाम पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ से आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरा आपको एडमिट हैं जो ग्रुप के जो मेन एडमिट हैं तो आप हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको ग्रुप सेटिंग लिखा है यहाँ से, तो ग्रुप सेटिंग पर क्लिक करना है। ग्रुप सेटिंग पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको लिखा है एडिट ग्रुप इन्फो, तो यहाँ से आपको एडिट भी कर सकते हैं अपने ग्रुप को। देखिए यहाँ से आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ऑनली एडमिट यहाँ से बना सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप ही रह सकते हैं यहाँ से, यहाँ तो ऑल के भी क्लिक करके बना सकते हैं। तो ये भी आपको इस तरह से ओके कर देना है, सेटिंग कर देना है। अगला सेटिंग देखिए क्या है, सेंड मैसेज जो होता है आपको इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ऑल मैसेज कर सकते हैं यहाँ से टिक कर सकते हैं कि या ग्रुप में कोई भी मैसेज कर सकता है, नहीं तो यहाँ से ऑनली एडमिट पर क्लिक कर सकते हैं, आप भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह से आपको सेटिंग करना है ग्रुप सेटिंग, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रुप सेटिंग आप इस तरह से कर लेते हैं, तो जैसे कि आपको बता रहा है देखिए यहाँ से नोटिफिकेशन है, तो चाहे तो यहाँ से बंद कर सकते हैं या तो यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, कोई भी आपका ग्रुप में चैट करेगा तो नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ इस तरह से आप चाहे तो बंद भी कर सकते हैं। देखिए अगला सेटिंग क्या है, देखिए ऐड ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो आप डिस्क्रिप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आप अपने ग्रुप में क्या चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि मैं कुछ इस तरह से कुछ बताने वाला हूँ, और यहाँ से जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ से कोई भी इमोजीज दे सकते हैं, कोई भी इस तरह से दे सकते अपने ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में कि नहीं यहाँ पर अच्छे कोई बात होता है, इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो ग्रुप में जो होता है ना कि आप कोई भी ग्रुप में ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में बहुत सारा फ़ोटो वीडियो आ जाता है, तो वैसे में फ़ोटो वीडियो आ जाता है तो आपको सिंपली वहाँ से फ़ोटो वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है और डाउनलोड हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद आपको शो हो जाता है गैलरी में, तो आपको जितना ग्रुप में के जो फ़ोटो वीडियो है आपको गैलरी में शो होने लगता है। तो जो आपका ग्रुप सेटिंग है यहाँ से मीडिया विजिबिलिटी पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से नो कर देना, ठीक है, आपको यस है तो यहाँ से नो कर देंगे। अगर नो कर देंगे तो आप जितना इस ग्रुप में फोटो वीडियो आएगा आपको डाउनलोड हो जाएगा लेकिन गैलरी में शो नहीं होगा, इस तरह से आपको ये सेटिंग कर देना है। ग्रुप सेटिंग इस तरह से आपको करना चाहिए, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ऐड करने के लिए ग्रुप में जोड़ने के लिए अपने फ्रेंड के लिए आपको यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके जो भी फ्रेंड को ऐड करना चाहते हैं अपने ग्रुप में कर सकते हैं। इस तरह से ग्रुप सेटिंग करते हैं, और आप चाहें तो अपने ग्रुप के यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं अपने ग्रुप का, और इस तरह से आपको सेटिंग करना है ग्रुप सेटिंग। तो इस अगर ग्रुप बनाए हैं अपने व्हाट्सएप में तो इस तरह से ग्रुप सेटिंग करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपको सेटिंग करना तो ये वीडियो को आपको तो बहुत अच्छा होगा, इस तरह से आपको ग्रुप सेटिंग करना है। तो देखिए अगला सेटिंग क्या आपको बताने हैं, ग्रुप के ही बारे में बताने वाला हूँ। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, आपको फिर से सेटिंग पर क्लिक करना है, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे प्राइवेसी पर क्लिक करना है, प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, और आपको देखिए यहाँ से ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए आपको नीचे लिखा है ग्रुप का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। ये क्या होता है फ्रेंड, आपको जब भी कोई अगर आप चाहें तो ये सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं कि कोई भी आपको यहाँ से ग्रुप में नहीं जोड़ सकता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं कि देखिए अगर आपको एवरीवन टिक रहता है तो आपको कोई भी ग्रुप में जोड़ सकता है, नहीं तो यहाँ से आपको माय कॉन्टेक्ट भी यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, आप जिसको चाहे उसी को आपको यहाँ से अलाउ कर सकते हैं कि वही मेरा ग्रुप में जोड़ सकते हैं या तो नहीं जोड़ सकता है। इस तरह से अभी आपको सेटिंग कर लेना चाहिए जो ग्रुप के बारे में जो सेटिंग होता है, इस तरह से फेसबुक जो सॉरी व्हाट्सअप ग्रुप होता है इस तरह से करते हैं। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फिर से कोई नए वीडियो डालूँ तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।